नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वाकई आपके जीवन को बदल देने वाली जबरदस्त मैं कहानी लेकर आया। एक औरत की कहानी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसा कौन सा गलत कदम उठाया कि जिसके वजह से भगवान का कहर उस नेक औरत को भी नहीं छोड़ता, उसके भी ऊपर भगवान का साप लग ही जाता है, जिसको देख करके सुन करके वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई यदि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते, जीवन में सफल होना चाहते, तो यह कहानी आपके ही लिए। तो बस देरी किस चीज की, चलो ना इस कहानी को जल्द से ही शुरू कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक नौजवान शख्स जो हिस्टपुष्ट था, नौजवान था, चेहरे की खूबसूरती थी, हर चीज से ठीक ठाक था, शरीर की बनावट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने शरीर पर थोड़ा सा भी घमंड नहीं था, उसे अपने खूबसूरती पर थोड़ा सा भी घमंड नहीं था कि भगवान ने मेरे को इतना अच्छा शरीर दिया। बल्कि वह जो है भगवान को हमेशा धन्यवाद करता था कि भगवान ने मेरे को स्वस्थ बनाया, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, मेरे अंग में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते समाज में जो जन्म से ही बेचारे, ना तो पैर होता है, ना तो हाथ होता है, किसी का कान नहीं, तो कोई बहरा है, तो कोई कुछ होता है, लेकिन उसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, इस वजह से वह भगवान को धन्यवाद करता था। वह जो भगवान की हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था, वह अपने आप को भगवान का सच्चा भक्त जो साबित करना चाहता था, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की कोई नाच दे, वह जितना भी भक्तिभाव करता उसे उतना ही कम लगता था। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन उसे किसी के माध्यम से पता चलता है कि फला इलाके में एक ऐसी महिला है जो वह भगवान की भक्तिभाव में हमेशा लीन रहती है, उसके आगे खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, और फिर वह भगवान की इतनी बड़ी भक्त है कि वह किसी के लिए अगर कुछ प्रार्थना कर देती है, किसी को कुछ विनती कर देती है या कुछ कह देती है, तो उसका बात सत्य हो जाता है, और उसके पास कई सारे लोग अपनी विनती, अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं, और फिर उनकी कामनाएं, उनके कहा हुआ बातों को पूरा हो जाता था। एक बार मेरे को भी उस महिला से मिलना है, वह कितनी अच्छी है, कितनी भगवान की बड़ी भक्त है कि उसका कही हुई बात सत्य हो जाती है। फिर उसने प्लान बना लिया कि हाँ, मेरे को अब किसी भी तरीका से उस भक्त से मिलना ही मिलना है। उसने खाने पीने का सामान अच्छे से गट्ठर में कर लिया, पानी पीने का हर चीज़ का व्यवस्था गट्ठर बना करके फिर वह अपने रास्ते पर, अपने मंजिल पर उस महिला से मिलने के लिए चल पड़ा। बेचारा चलता रहा, रास्ते में जब जब भूख और प्यास लगती वह मोटरी से निकालता और फिर वह पानी और भोजन करता, और करने के बाद फिर से रास्ता नाप लेता। फिर से कुछ दूर चलने के बाद और एक समय ऐसा भी आया कि उसके सारे के सारे भोजन और पानी खत्म हो गए, लेकिन अभी उसका पता नहीं चलता है कि आखिर वह कहाँ है, कितनी दूर और मेरे को जाना पड़ेगा। चलता जा रहा, जब उसके पास भूख और प्यास के साधन जितने भी थे सब खत्म हो जाए, तो अब उसे चिंता सताने लगी कि आखिर जब मेरे को भूख लगेगा तो मैं क्या भोजन करूँगा, मैं क्या पानी पीऊँगा। तेज धूप में वह चलता जा रहा है और उसे आखिरकार भूख और प्यास सताने ही लगती है। जब तक उसके शरीर में हिम्मत रहता है तब तक वह चलता जाता है, लेकिन आखिर एक समय ऐसा आ ही जाता है कि उसके शरीर में अब उतना हिम्मत ही नहीं रहता कि वह एक कदम ही आगे चल सके। बस वह एक जगह पेड़ की छांव में किसी तरीके से जा कर के वहाँ पर बैठ जाता है। अब तो वह रास्ता देख रहा होता है कि शायद कोई इंतजार करते हैं, तो कोई आ जाएगा तो वह मेरे को भोजन और पानी देगा। वह भगवान को कहता, अरे भगवान, अरे तेरा भक्त भूख और प्यास के बिना यहाँ पर मर जाएगा, अरे यहाँ पर दम तोड़ रहा है, अरे क्या तू अपने भक्त की रक्षा नहीं करेगा, अरे भगवान मेरे को किसी को माध्यम से भेज, मेरे को बहुत जोर से भूख और प्यास लगी, अरे मेरा जो मंजिल है उस औरत से मिलने का, जो कितनी नेक बंदी है, भगवान की भक्त, अरे तेरा जो महबूब है हमेशा तेरे गुनाह में, तेरे भक्ति में हमेशा वो पागल रहती है, अरे एक बार बस मेरे को उससे मिलना है, अरे मैं जाना चाहता हूँ, और तू आज मेरी सहायता नहीं करेगा, मेरे को सहायता दे, मेरे भूख और प्यास से मेरा जी मचल रहा है। ऐसे वह भगवान से विनती करता है, रो रो करके गिलगिलाता है, और ठीक ऊपर वाले ने उसकी सुन भी ली। उसने देखा कि दूर से एक शख्स आ रहा है और वह जो है अजीब कलर का कपड़े पहना हुआ है, फिर वह पीछे जो एक जानवर को लिए हुआ,
जिस जानवर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस प्रकार का जानवर है, कैसा जानवर है, उसने ऐसा जानवर आज तक देखा ही नहीं था। इस प्रकार का जानवर हुआ जो है अपने पीछे लिए हुआ था, उसके गले में रस्सी बांधी थी और लेकर के चलता आ रहा। अब उसके मन में उम्मीद लगी कि यहाँ इससे मैं जो भोजन और पानी मांगूंगा, अगर यह इसके पास होगा तो अवश्य मेरी सहायता करेगा कि कहाँ पर कैसे मिलेगा। और जैसे ही वह आता है उसको रुकवाते कहता है कि भाई साहब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसने कहा हाँ बोलो क्या, किस प्रकार की मदद करना है। उसने कहा देखो कि मेरे को बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है, मैं जो है कहीं पर जा रहा था। उसने कहा रे भाई भूख और प्यास लगी है तो मेरे पास सब कुछ साधन है, चलो हम दोनों लोग बैठ करके अच्छे से भूख और प्यास को मिटाते हैं। और वह दोनों लोग वहां पर भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद जो है वह जो जानवर लिया हुआ इंसान था उसने पूछा रे भाई तुम इतना लंबा सफर तय करके तुम कहाँ जा रहे थे, तुम्हारी मंजिल क्या है, इधर क्या करने के लिए जा रहे। उसने कहा देखो मैं भी भगवान का भक्त, मेरे को भगवान पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैंने सुना है कि फला इलाके में एक ऐसी औरत है कि जो किसी के लिए प्रार्थना करती है, किसी की कोई बात कह देती है तो उसका बात सत्य हो जाता है। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि आखिर वह किस तरीके से भगवान की पूजा आराधना, किस तरीके से भक्तिभाव करती है, भला मेरे भक्तिभाव करने में क्या कसौटी है, मेरे को उससे कुछ सीखना है, इसलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसके पास मिलना चाहता हूँ। जैसे यह बात उस औरत की करता है ना, वह व्यक्ति सर पीट करके वहीं पर रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है। वह बेचारा तुरंत परेशान हो जाता है, आखिर मैंने इसे क्या कर दिया, ये रोने क्यों लगा। फिर उसने कहा रे भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो मैंने कुछ कहा नहीं। तो उसने कहा मेरे को नहीं कहा, लेकिन तुम जिस औरत की बात कर रहे हो ना वह औरत मेरे पास में। उसने कहा आपके पास में, अरे कहाँ वह औरत आपके पास में। उसने कहा नहीं नहीं औरत मेरे पास में, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। उसने कहा अगर औरत आपके पास में है तो कहाँ पर है, मेरे को जल्दी से उससे मिलवाइए। उसने कहा आपको नहीं दिख रहे। उसने कहा नहीं मेरे को नहीं दिख रहे। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मेरे पास जो जानवर है ना जिसके गले में मैंने रस्सी बांध कर पकड़ी है यही वो औरत है, और वह दूसरी कोई नहीं है, वह मेरी बीवी ही है, और देख आज उसकी ऐसी हालत हो गई है, उसने ऐसा कसूर किया। उसने क्या ऐसा हो गया, मेरे को नहीं विश्वास हो रहा। उसने कहा नहीं विश्वास हो रहा। उसने कहा यही बात है, यही सच्चाई है। उसने कहा आखिर इसने ऐसी क्या गलती की, ऐसा क्या वजह था कि जिसके वजह से एक भगवान के इतने बड़े भक्त को भी भगवान का कहर नहीं छोड़ता। क्योंकि सबको पता होता कि अपने कर्मों का तो फल मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी हो। उसने कहा ठीक ऐसी ही मेरी पत्नी को मिला है, उसने कुछ ऐसा ही काम किया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसके भक्ति भाव में क्या कसौटी रह गई कि भगवान का कहर उसे नहीं छोड़ता, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रार्थना करती, दूसरों के लिए कुछ भी काम करती तो वह उसका पूरा हो जाता था, लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि मेरे को भी समझ नहीं आता। इसके लिए मैं जो है अपने इस पत्नी को लेकर के इसी जंगल में जो है ना एक साधु बाबा रहते हैं, उसी साधु बाबा के पास मेरे को जाना है। सुना है मैंने कि बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बहुत ही जानकार है, शायद मेरी समस्या का समाधान दे सकते हैं। फिर वे दोनों लोग उस जानवर को लेकर के और जंगल के अंदर जो चलते जाते हैं और फिर जो उस साधु बाबा का कुटिया आ जाता है। साधु बाबा के पास में जब वे लोग जाते हैं तो साधु बाबा मस्त मगन ध्यान में लगे रहते हैं, कुछ समय इंतजार कुटिया के बाहर करते हैं। साधु बाबा का जब ध्यान खुलता है तो वह बाहर आता है तो उन्होंने देखा कि दो शख्स जिसके साथ में एक जानवर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों के यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए। फिर उसने सारी की सारी बात बता दी। साधु बाबा ने तुरंत ये सारी की सारी बात को समझ गए। उसने कहा मैं अगर बताऊंगा तो शायद आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह औरत चूंकि अब जानवर बन चुकी है, लेकिन इसने जो कर्म किया है किस कर्म के वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है इसको पता है, यह जवाब यही देगी कि आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था। उसने कहा अरे यह तो जानवर बन गई है, भला यह कैसे बोलेगी। उसने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान इस बेजुबान जानवर बनी औरत को जुबान दे दे कुछ समय के लिए, ताकि यह अपने गुनाह को जो मान सके, आखिर उसने क्या गलती किया, क्योंकि इस प्रकार की गलती किसी को भी ना करे। वो कहता कि हाँ साधु बाबा अगर ऐसा हो जाता तब से हो जाता। फिर उसने साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्रों को पढ़कर उसके ऊपर फेंक दिया। फिर उसके अंदर जो आदमियों जैसा इंसानों जैसे बात करने की शक्ति आ जाती है, और जैसे शक्ति आ जाती है तो वो चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू कर देती है। तो फिर साधु बाबा ने कहा रे तेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, बल्कि तू तो भगवान की बड़ी भक्त थी ना,
तू तो हर तरीके से, मैंने भी तेरा नाम सुना था कि तू जिसके लिए प्रार्थना करती दुआ करती वह कबूल हो जाती थी, वह स्वीकार हो जाती थी, लेकिन तेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया? उसने कहा, बाबा जी यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है। शायद आपको भी पता हो या ना हो, लेकिन मैंने जो गलत काम किया ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, और आज मेरे साथ में जुआ हुआ है, मैं जो बात बताती हूँ फिर जो आप हर लोगों को यह बात बताइएगा। साधु बाबा ने कहा, बताओ तो आखिर तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी और यह हादसा कैसे हुआ? उसने कहा, साधु बाबा अब मैं बताऊं क्या, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं तो मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने कहा, बाबा जी ये जो मेरे पति है ना, ये मेरे बहुत ही अच्छे पति हैं, अब मेरे को पता चला है। लेकिन जब मैं भगवान की भक्ति भाव करती थी, दिन भर जो भगवान की भक्ति भाव तपस्या में लीन रहती थी, मेरे पति ने मेरे को कभी ये नहीं कहा कि तुमने क्या किया, घर का काम काज किया कि नहीं किया। बस जब वो देखते कि मेरे को भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते, वह बाहर से दिन भर खटा खटा काम करने के बावजूद आते थे, और बल्कि दूसरा कोई पति रहता अगर घर में कोई काना काम नहीं हुआ रहता, खाना नहीं बना रहता, तो शायद बोलता, लेकिन इसने कभी भी आते थे तो वह देखते थे कि मैं भक्ति में लीन हूँ, तो यह अपने खाना खुद बनाते थे। बल्कि मैं बहुत कम जो घर का काम काज करती थी, मेरे पति बाहर से काम करने के बावजूद जब घर पर आते थे ना, तो घर का भी काम किया करते थे, कभी काल में किया करते थे। लेकिन भक्ति भाव करते 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 मैं इतना मेरे को अपने आप पर गुरूर हो गया कि वास्तव में मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं ही इस दुनिया में भगवान की एकमात्र ऐसी भक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई भक्त तो हो ही नहीं सकता। फिर मुझे अबसे अपनी भक्ति पर घमंड होने लगा, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए दुआएं करती, जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती, जिन लोगों को जो बात कह देती वह बात सत्य हो जाती, उनके समस्या का समाधान जो मैं देती थी उससे हो जाता था, इस तरीके से मेरे को भी अपने आप पर बड़ा ही गुरूर होने लगा, बड़ा घमंड होने लगा। और इसके वजह से जब मेरा पति थका हारा काफी जब बाहर से काम करके आता था ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पति मजदूरी का काम किया करते, ईंट जोड़ने का काम, ईंट ढोने का काम, मट्टी वाला काम, ऐसे कुछ काम किया करते थे, लेकिन इतने सारे थके हारे जब घर पर लौटते थे ना, तो बस कभी कभी वह मेरे से एक गिलास पानी अगर मांग लेते थे तो मैं उसको कटी जली हर चीज सुनाया करती थी। कहती थी, घरी तुमको तो कुछ भगवान की भक्ति भाव करना नहीं, तुम इसका मतलब समझते नहीं हो कि दिन भर बस कामकाज किया करते हो। और इस तरीके से मैं हमेशा अपने पति को गाली गलौज से ही बात करती थी, सही से बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं भगवान की भक्त थी, भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते थे, और ये नहीं करते थे, ये कभी जो भगवान की इबादत नहीं करते थे, इनकी पूजा पाठ कभी नहीं करते थे, बल्कि उन्हें हमेशा चिंता रहता था कि मेरी पत्नी को दो वक्त की रोटी सही से मिल जाए, वह हमेशा मेरी ही चिंता में रहते थे। बल्कि जब मैं उन्हें डांट लगाती थी, बोलती थी, तो बेचारा कुछ नहीं बोलते थे। मेरे पति इतने सीधे, लेकिन मेरे को उस समय कुछ नहीं समझ आता था। लेकिन एक बार गजब की बात आ जाती है कि जब ये काफ़ी थके हारे रात्रि में आते हैं, और रात्रि के समय में जब आते हैं तो इन्हें काफी जोर से भूख लगी रहती है, और फिर उसने आया और उनका हिम्मत नहीं कर रहा था कि भोजन बनाने का, खाना बनाने का, और उस दिन मैंने खाना भी नहीं बनाई थी, मैं तो बैठी हुई थी और मैं इन्हीं के इंतजार में कि शायद मेरे पति आएंगे तो खाना बनाएंगे, क्योंकि बार बार मेरी यह आदत ही हो गई थी, मैं बिल्कुल कामचोर हो गई थी, अपने पति की सेवा करना ये बिल्कुल ही नहीं मेरे को पता था। और उस दिन जब मेरे पति ने आया तो पानी मांगा, फिर हमने पानी भी नहीं दिया, अपने हाथ से गए पानी पिए, लेकिन जब भोजन मांगा ना तो उन्होंने सोचा कि शायद भोजन बनाई होगी, इतना देर रात हो गई, लेकिन मैंने नहीं बनाए थे। फिर मेरे पति ने मेरे ऊपर डांटना भड़कना शुरू कर दिया, और जैसे डांटना भड़कना शुरू कर दिया तो मेरे को तो अपने आप पर बड़ा ही गुरूर था। उसने कहा, अरे अरे तुम इतना काम करके क्या कर ही लेते हो, क्या हासिल किए हो, तुमने कुछ हासिल किया, किसी दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम किया, अरे किसी का कुछ नहीं कर पाते, देखो मैंने एक भगवान की भक्ति करके लोगों को जो काम कर देती हूँ सफल हो जाते हैं, तुमने क्या किया? उसने कहा, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए हर तरीके से व्यवस्था किया, मैंने तुमसे कभी काम नहीं लिया, तुमको दो वक्त की रोटी सही से ला कर दिया, लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं। अरे मैं भी तो तेरे लिए ही करता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं तू कुछ नहीं करता। फिर उस औरत ने कहा कि मेरे को अपने भगवान की भक्ति पर बड़ा ही नाज था, बड़ा ही कमर था। मैंने कहा कि देखो अगर तुझको भी भरोसा है कि हाँ तुम मेरे लिए किया है सच्चे दिल से ना, तुम आज भगवान से दुआ कर, भगवान से प्रार्थना कर कि हे भगवान अगर मेरी पत्नी ने सच्चे मन से किया होगा तो इसको तुम इसके ऊपर कहर बरसा दे, अगर मैंने अपने पत्नी की सेवा अगर सच्चे मन से नहीं की होगी, इसको सही से रखा नहीं होगा ना, तो बस मेरे को
तू कहर बरसा दे। और इस तरीके से वह उस दिन मेरा पति जो भगवान की इबादत करने लगता, भगवान की भक्ति भाव करने लगता, भगवान से रो रो करके कहने लगता है। और फिर ऐसा ही कुछ होता है कि उसी वक्त उसकी जो है प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और मैं तुरंत वहां पर जानवर बन जाती हूँ। मेरे को समझ नहीं आता, अगल बगल में हल्ला मच जाता है कि एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया। लेकिन बाबा जी मेरे को पता है कि मैंने भगवान की भक्ति भाव की लेकिन अपने पति की कभी सेवा नहीं की। और पति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप भगवान की भक्ति भाव करो लेकिन अगर अपने पति की सेवा नहीं करते हो, अपने पति की इज्जत नहीं करते हो, तो सारा वह भक्ति भाव बर्बाद हो जाता है। इस वजह से बाबा जी मेरे ऊपर भगवान का कहर बरस पड़ता है। और इसी लिए मैं आप लोगों को सुनाई कि यह बातें जो सभी लोगों को फैला दीजिए कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे पास पड़ोस में कुछ ऐसी महिलाएं होती जो भगवान की भक्ति भाव में बहुत लीन रहती है, भगवान की तपस्या करती, भगवान की आराधना में लीन रहती है, लेकिन वह अपने पत्नी का, अपने पति का कभी इज्जत नहीं करती, अपने पति से सही से बात नहीं करती, अपने पति को एक गिलास पानी नहीं देती। क्योंकि जब पति थका हारा बाहर से काम करके आता ना, तो उसे बस घर का प्यार चाहिए, अपने पत्नी का प्यार चाहिए। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है पत्नी पर, अगर वही पत्नी घर पर आते ही जली कटी सुनाने लगती तो फिर उस पति के साथ में क्या होता। बाहर से थका हारा इतना जो प्रेशर, उसके बाद घर का भी प्रेशर, बेचारा वह कहाँ का जाएगा। इसलिए कभी भी किसी पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। अगर वह बाहर से कुछ भी करके आ रहा है, उसे थके हारे सही से बोलना चाहिए, प्यार से बातें करना चाहिए। पता नहीं कौन सा काम, कौन सा मुसीबत को झेल करके आए, अगर घर पर आते अपने पति को भी साथ ऐसा करेंगे तो भगवान के कितना भी आप भक्ति भाव करते हो, सारा का सारा वह भक्ति भाव तुरंत मिल करके मट्टी में हो जाता है। इसलिए हमारे घर की महिलाओं को, अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं, इस प्रकार के वीडियो को, यह जो ज्ञानवर्धक कहानी है ना, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देगा। खास तरीके से जो महिलाएं शादीशुदा है उन लोगों को तो यह कहानी अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी है, क्या वास्तव में कहानी सीखने लायक है, जीवन में कुछ बदलने लायक है कि नहीं है। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।